Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your own YouTube channel. Friends, I hope you all are doing very well and exam preparations are also going very well. So, I हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेकर जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है यूके ट्रिपल एससी की तरफ से कॉन्स्टेबल की न्यू वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग. यूके ट्रिपल एससी क्या है, देखिए उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भर्ती निकल कर आई है. टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करेंगे ना तो 2000 यानी 2000 के तकरीबन सीट रहने वाला है. ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, तो आगे हम चर्चा करेंगे इस पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के ऊपर. लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इससे रिलेटेड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जाम सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं दोनों चीज़ें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर. हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए जाकर वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए. देखिए फ्रेंड्स, टोटल पद है 2000. टू टाइप्स के आपके कांस्टेबल के सीट रहेंगे, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल फॉर सिविल डिपार्टमेंट एंड उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल फॉर पीएससी या फिर आईआरबी के लिए रहेगा. सिविल डिपार्टमेंट के लिए 1600 यानी 1600 है, पीएससी या फिर आईआरबी जिसको बोलते हैं उसके लिए 400. सो ओवरऑल आपका सीट 2000 रहने वाला है. अब अगर हम बात करें अप्लाई के डेट की कि कब से कब तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, तो देखिए 8 नवंबर से ये स्टार्ट होने वाला है. 8 नवंबर से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 29 नवंबर रहेगा, यानी 29 नवंबर अप्लाई करने की अंतिम तारीख है. लेकिन आपको लास्ट डेट तक बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है. देखिए फ्रेंड्स, अब इसके साथ ही साथ मैं एग्जाम का डेट भी यहाँ पर एक्सपोज कर दिया गया है. जो नोटिफिकेशन आई है उसमें क्लियरली मेंशनड है 15 जून 2025 को आपका एग्जाम करा लिया जाएगा. और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एग्जाम से पहले ना आपका यहाँ पर फिजिकल होने वाला है, तो एग्जाम होगा और मान लीजिए जून 2025 में होता है तो आपका जुलाई अगस्त तक के सारा प्रोसेस इसका कंप्लीट करा दिया जाएगा और उसके जस्ट बाद आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी. देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म की फी की अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी से 300 यानी 300 रुपया लिया जाता है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस से 150 यानी 150 रुपया लिया जाता है. अब बात करेंगे हम एज लिमिट यानी उम्र के सीमा के ऊपर. सबसे पहले जानते हैं कट ऑफ डेट. तो कट ऑफ डेट है आपका 1 जुलाई 2024 यानी 1 जुलाई 2024. एज की बात करें तो 18 टू 22 ईयर्स यानी 18 वर्ष से 22 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. रिलैक्सेशन भी मिलता है ओबीसी को 3 ईयर्स का और एससी एसटी को 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष का. देखिए अब तो सारी बेसिक डिटेल आपको क्लियर हो चुकी है, बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेसिक में बचता है क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर डिमांड किया गया है 12th पास, यानी अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो. तो 12th में क्या स्ट्रीम था डजंट मैटर, आर्ट साइंस या कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आपने इंटर पास किया है तो अप्लाई कर देना, परसेंटेज का भी इशू कुछ नहीं रहने वाला है, ठीक है. अब हम आगे बात करते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर. तो मैंने पहले ही आपको एग्जाम डेट के समय बताया है कि आपका पहले क्या होगा, फिजिकल होगा. देखिए यहाँ पर दो स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पहले स्टेज पर फिजिकल होता है, सेकेंड स्टेज पर रिटन एग्जाम होता है. फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो भर्ती निकल के आई है ना सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, यानी पुरुष उम्मीदवार ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो आपका हाइट मेजर होता है, तो जनरल ओबीसी और एससी के लिए 165 यानी 165 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए 157.50 सेंटीमीटर, और जो कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं ना पहाड़ी क्षेत्र से है उनका क्या रहेगा, 160 यानी 160 सेंटीमीटर रहेगा. फिर आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है फॉर जनरल ओबीसी और एससी 78.8 से लेके 83.8 सेंटीमीटर होगा, वहीं पर हील एरिया वाले और एसटी के लिए 76.3 टू 81.3 सेंटीमीटर, उनको थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है. अब बात करते हैं आगे आपका क्या होता है, रनिंग यानी कि दौड़ की प्रतियोगिता होती है. देखिए 3 किलोमीटर की यानी 3 किलोमीटर की दौड़ होती है, 10 से 20 मिनट के बीच में इसको कंप्लीट करना होता है. देखिए टाइमिंग आप जितना मान लीजिए 10 मिनट में करेंगे तो आपको हाई स्कोर मिलेगा,
कितना मिनट में क्या स्कोर मिलेगा, और फिर रनिंग के बाद आपका पीईटी में और भी बहुत सारे जैसे सीटअप उठक बैठक होता है, बहुत सारी चीज़ें कराई जाती है, शॉर्ट पुट वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन मिलेगा, उसमें आप थ्रो आउट रीड कर लेना। इस छोटे से बोर्ड पर इतना सारा बताना पॉसिबल नहीं था, तो फिलहाल मैंने ये आपको बता दिया है। अब टाइमिंग के अकॉर्डिंग हर चीज़ में ना स्कोर का भी है, तो वो चीज़ आप देखेंगे उस हिसाब से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल हो गया। फिजिकल में पास करने के बाद आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है, ऑफलाइन पेपर होता है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है, पेन एंड पेपर मोड से। तो देखिए एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 100 मार्क्स, पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलते हैं, टाइम 2 आवर्स यानी 2 घंटे की समय अवधि रहेगी। और निगेटिव मार्किंग की अगर बात करी जाए ना, 1/4 यानी 0.25 की हो जाएगी निगेटिव मार्किंग। तो अगर सब्जेक्ट वाइज अब बात कर ले, बाकी चीज़ें तो मैंने बता दी। सब्जेक्ट में आपका देखिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, और तीनों मतलब 2 सब्जेक्ट तो आपका GK GS है, पहला GK यानी जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज से 40 क्वेश्चंस रहेगा, सेकेंड है क्या उत्तराखंड स्पेशल GK, तो ये 40 क्वेश्चंस रहेगा, फिर जनरल हिंदी से 20 क्वेश्चंस रहेगा। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो 100 नंबर में से 80 नंबर आपका GK होगा और 20 नंबर आपका सामान्य हिंदी रहने वाला है। तो ये है एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे तो आपका चयन हो जाएगा एज अ कॉन्स्टेबल। तो आप जब सर्व करेंगे तो वहाँ पर आपको सैलरी जो मिलती है 21,700 से स्टार्ट होती है, एंड आफ्टर पर्स एंड अलाउंसेस आपकी सैलरी 69,100 रुपीज़ यानी 70,000 के तकरीबन आपकी सैलरी कर दी जाती है। अब कुछ 2 पॉइंट मुझे लास्ट में क्लियर करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। दूसरा, अगर हम डोमिसाइल की बात करें कि देखिए उत्तराखंड की भर्ती आई है, तो क्या ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, इसमें अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं, अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो उत्तराखंड के डोमिसाइल वाले जिनके पास आवासीय है, सर्टिफिकेट है, वहाँ के मूल निवासी, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इस पोस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब भी कुछ डाउट एंड कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके क्वेरी को आप सॉल्व कर लेना। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।